और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी साल की, जहां चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी कयासों का दौर लगातार जारी है। लंबे समय से प्रदेश भाजपा की सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अब तक ये चर्चा महज कयास ही साबित हुई है और एक बार फिर ये चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि 7 जुलाई को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनावी साल में सरकार और संगठन में कुछ परिवर्तन होगा या फिर शिवराज बीडी की टीम भी चुनाव में विपक्ष से दो दो हाथ करती नजर आएगी। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सत्ता और संगठन को कसने में लगी है। चुनावी साल में बार बार ये चर्चा होती है कि सत्ता और संगठन में बदलाव होगा, लेकिन हर बार ये कयास बस कयास बनकर रह जाते हैं। अब एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो 7 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कुछ राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी सुगबुगाहट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किसी भी तरह के परिवर्तन से साफ इनकार कर रही है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि प्रदेश में चुनाव के बाद सरकार परिवर्तन होगा। नहीं, भाजपा में जो भी निर्णय होगा सबके सामने होगा, लेकिन ये तय है कि शिवराज सिंह जी चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी और तमाम तरह की मीडिया के कयासे, तमाम तरह की कांग्रेस द्वारा जुड़ी अफवाहें, संगठन भी वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है और सरकार भी शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही, कहीं भी जो ये सिर्फ कयास हैं और ये कोरी अफवाह। बीजेपी में नहीं, बीजेपी का बदलाव होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो या 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, जिनसे आम जन ऊब चुका है उनमें बदलाव प्रासंगिक नहीं है, पूरे देश में इनको बदलना जरूरी है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 18 सालों से सत्ता पर काबिज है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना लाजिमी है। तभी तो बार बार अटकलें लगाई जाती हैं कि चुनावी साल में बीजेपी सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। एक बार फिर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बदलाव होगा। इन अटकलों में कितना दम है ये तो 7 जुलाई के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सियासी हलकों में बीजेपी में बदलाव की बयार फिर से बह रही है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।